अंशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। मैं सर से नमस्कार जय हकीम जी को मैं नमस्कार बोलना चाहती हूँ। मैं मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। पैर में जो पिंडली होती है, एक तो पिंडली होती है और एक साइड में से पैर का जो साइड का हिस्सा होता है उसमें बहुत दर्द होता है। चलते वक्त तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। वॉकिंग करने के लिए डॉक्टर ने बुलाया है, वजन ज्यादा है। और जैसे पहले मुझे सिर्फ चलते वक्त होता था, उसके बाद अब मुझे दिन भर घर में भी हो रहा है, खड़े रहने में भी हो रहा है, कुंडली में भी हो रहा है और साइड में बहुत पेन हो रहा है। उसकी वजह से जैसे गुट्टे गुट्टे कभी कभी बनते हैं, दर्द हो रहा है, एक एक जगह पे दर्द हो रहा है, इस तरह से दर्द होता है। मुझे डॉक्टर ने बरफ की खिंचाई के लिए भी बोला है और एक्सरे में कुछ नहीं निकला है। मसल स्पाज्म या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है ठीक है। जी आपकी एज बता दीजिए। अच्छा मैं 41। देखिए, जो कैफियत आपने बताई है, जो अपना मामला बताया है, उसका मतलब ये होता है कि देखिए, हमारी पिंडली में या पिंडली की साइड में खिंचाव या दर्द हो या सुन्न हो या जलन हो, पैरों में हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, चलते में हो या खड़े खड़े हो या लेटने पे हो, किसी को भी, एक पैर में हो या दोनों पैरों में हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे कमर में नसें दबी हुई हैं, जो हिप से ऊपर के 5 डिस्क होते हैं, इस तरह के होते हैं, यहाँ पर नसें दब जाती हैं और दर्द होता है हमारी पिंडलियों में, या खिंचाव होता है, या जलन होती है, या सुन्न होने लगते हैं। अब हम पिंडली का इलाज कराते रहते हैं, पिंडली पे कुछ मलते रहते हैं, ये इलाज नहीं है। हमें हमारी कमर का इलाज करना होगा, पिंडली अपने आप ठीक होती है, ये मेरा तजुर्बा है। इसे साइटिका कहते हैं, साइटिक नर्व के दबने से ये रोग होता है। आपको समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि लाखों लोग सुन रहे हैं और वो समझ नहीं पाते अपना रोग क्या है। डॉक्टर भी एक्सरे यहाँ का कर देता है, एक्सरे नहीं बल्कि MRI होनी चाहिए और कमर की होनी चाहिए, कमर के हिप से ऊपर जो 5 डिस्क हैं उनकी MRI में पता चलता है कि यहाँ रोग है, लेकिन उसमें 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बहरहाल, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए पहले से तो यकीन करेंगे, नहीं तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए दो तीन बातों की पाबंदी है। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, ऐसा कुर्सी वाला, ठीक है, और ज़मीन में बैठ के कोई काम ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा, हो सकता है आप पर जिम्मेदारी हो, झाड़ू पोंछा करना मना है, वज़न उठाना मना है, खड़े होकर काम कर सकते हैं, किचन में जितना भी जिम्मेदारी काम है, आजकल तो स्टैंडिंग में है सब कुछ, तो ये तो आप पर पाबंदी है कि ये काम ना करें। और गौंद स्याह एक आता है, काला गौंद या गौंद स्याह हम कहते हैं, और नकली बहुत मिलता है, असली खरीद लें। ये गौंद स्याह आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, जो आधा आधा ग्राम सुबह शाम में खाना पड़ता है, तो 15-16 रुपए की खुराक है आपकी रोज़ाना की, तो इससे आपके तमाम जोड़ों और तमाम नसों और डिस्क अच्छी होती है, और गौंद स्याह असली लेना ज़रूरी है। और वज़न अगर ज़्यादा है तो आप जीरे का सिरका विनेगर आप लें और दो दो चम्मच दो तीन बार पिए, और डाइट कंट्रोल करें, जितना खुराक है आपकी उससे आधा कर दें, गर्म पानी खूब पिया करें। अगर ये इलाज आप 3-4 महीने लगातार करते हैं तो आपके रोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो अपने दर्द को लेके फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? क्या फिजियोथेरेपी भी लेना ट्रीटमेंट ठीक है? देखिए, मैंने पाया कि लोग फिजियोथेरेपी इसकी कराते हैं, लेकिन मैंने अपने तजर्बे में, अपने अनुभव में फिजियोथेरेपी से इस रोग में फ़ायदा होते हुए नहीं देखा। और
कुछ लोग मालिश करते हैं, मालिश से कुछ फ़ायदा कभी किसी को नहीं होता। खाने की दवा से कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर भगवान पर भरोसा होगा तो, और मालिश और कुछ मलवाने चले जाते हैं पहलवानों के यहाँ, और कोई उसमें बुरी तरह झटका मार देता है, ये सब गलत है। कभी बहुत बड़े रोग हो सकता है जो कभी ठीक ही ना हो। किसी भी ऑपरेशन से पहले, किसी भी जोड़ के या कमर के ऑपरेशन कर डालते हैं डॉक्टर, ये घुटने में है परेशानी तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं, और वो रोग होता है, कहीं तकलीफ होती है, कहीं इसकी ये निशानी है। तो किसी भी ऑपरेशन से पहले या आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें, गौंसिया आधा आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल किया करें, फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं बरेली से रेखा अवस्थी जी, स्वागत है आपका। क्या हमारे 2-3 सवाल हैं, नोट कर लीजिए मैडम। जी मैम बताइए। दर्शन बकरी का मंगाया था हमने आपकी कंपनी से पिछले महीने में, बॉम बॉम पिला कर के लिए मंगाया था, पैरालिसिस थी और क्या कहते हैं डायबिटीज थी, तो बॉम पिलाते रहे उसके पिलाते पिलाते 1-15 दिन तक उनके सर्दी अभी ज्यादा हो गई थी, उनके टीबी का भी इलाज चल रहा था, फिर बोलने पिलाते रहे तब भी भरोसा था, पिलाते रहे, फिर बाद में बहुत ज्यादा चीजें हम जकड़न हो गए, बुखार भी आया तो हमने फिर उनका रोक दिया, पिलाना बंद कर दिया, फिर बुखार खार से दवाई एडमिट भी रहे 2 दिन, बुखार की दवाई भी दवाई और खांसी सीरप सीरप पिलाया, तो खांसी ऐसी के लिए तो सही है, लेकिन उनकी हथेली तलवे बहुत गर्म रहते हैं, इतने गर्म रहते हैं सूंघने से भी लगता है कि हाथ जल रहे हैं, इतनी तेजी से गर्म रहते हैं, अब वो जो जैसे उनको बिजली का आए वो हमने आधी बोतल वो भी रोक दिया है कि हम पिलाए नहीं पिलाए, वो करते हमें इसीलिए बात करनी थी कि हम अब इस समय पिला सकते नहीं पिला सकते, तो टीवी के भी इलाज चल रहा है हमारा, ठीक और है। क्या डायबिटीज का भी है, पैरालिसिस भी है, हमें बहुत परेशान है उनकी वजह से, हम बहुत ठीक। दिमाग खराब कमजोर इतने हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी वाले हैं, जिससे बुखार आया उससे बहुत ज्यादा ठीक कमजोरी ठीक आ है। रही है। अच्छा देखिए, जिन लोगों को सिरका नहीं चले, वो ख़ास तौर पर टीबी के पेशेंट में ये होता है कि फेफड़े की बीमारी है और फेफड़े इम्प्रेस रहते हैं, तो उनको शायद ये नहीं चल पाएगा। तो जिन लोगों को भी देखिए डायबिटीज़ के लिए और कंट्रोल के लिए ये चाहिए, तो वो गौंद चिलगोजा लें, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, तो ये उनके सीने में जकड़न भी नहीं करेगा और जितना कफ है उसे बाहर फेंकेगा, और ये बेहतर है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है ये। और अगर फालिज लकवा और टीबी है तो एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार दे दिया करें, तो इससे चर्बी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और बहुत फ़ायदा मुमकिन है। उनको ये ना दें और ये कोई और शख्स ले ले, आप इन्हें इस तरह से इलाज करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, औरंगाबाद से हैं शेख यूसुफ जी, स्वागत है आपका। हाँ अखिल साहब को हमारा अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे जो है तो चुलगोजे का घोल मंगाया था और तुम्हारे क्या बोलते हैं घोल मोरिंगा, तो बच्चे घोल मोरिंगा खाए तो कितने दिन खिलाना आप हमको बोलो, और चुलगोजे का घोल कितने दिन खिलाना है वो भी मालूम करो हमको, और एक सवाल है हमारा कि जो है तो बच्चा दिन भर अगर भूखा रहे तो दिन भर भूखे रहने में उसको मचली होती, सर में दर्द होता, उल्टियां होती, नल टाइट हो जाते और इतनी तकलीफ होती कि मतलब 2-3 दिन बहुत परेशान रहता, एक दिन भर अगर खाना नहीं खाया तो। बच्चे की उम्र बताइए। बच्चे की उम्र है 35 साल। अच्छा, और गॉन मॉर्निंग का जो खाते हैं उनकी उम्र कितनी है? हाँ वो एक बच्चा है 4 साल का, एक बच्चा है 4 साल का, एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्ची है 3 साल की, वो खजूर और अंजीर के साथ में जूस के अंदर दे रहे हैं उनको, भूख नहीं लगती, खाना नहीं रखता बोल के आपने बोले थे। ठीक है ठीक है। जी देखिए, उनको लंबे वक्त तक भी दे सकते हैं,
और आधा आधा ग्राम ही दें, छोटे बच्चे हैं और तीनों को दे सकते हैं और ज़्यादा वक्त तक भी दे सकते हैं। ये नुकसान कभी नहीं करता और इससे इनकी ग्रोथ होनी चाहिए और इनकी लंबाई बढ़नी चाहिए, इनको भूख लगनी चाहिए। और देखिए, अगर पूरे दिन तो खाना मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे भी यही हालत होगी, तो खाना खाना तो ज़रूरी है। और अपने खानों में अदरक लहसुन ज़ीरा खूब ज़्यादा कसरत से डाला करें ताकि इनकी भूख खुले, इनकी सेहत अच्छी हो। और तो कोई सवाल नहीं था ना इनका? नहीं, बस ये इनके सवाल थे। और एक और था हकीम साहब के, मोरिंगा और चिलगोज़ा कब तक लेना है बच्चों? हाँ, के लिए चिलगोज़ा बच्चे नहीं ले सकते हैं, बड़े लोग ले सकते हैं। और एक चुटकी ही काफ़ी है रोज़ाना लेने के लिए। आप जिस मकसद के लिए ले रहे हैं उसमें एक खुराक लें बस, और 5-6 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो शेख यूसुफ जी, जो गोंद आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो सारे के सारे गोंद बहुत तेज़ होते हैं। जितनी भी बातें हकीम साहब ने आपको बताई हैं, उम्मीद करूंगी आपने अच्छे से समझ ली होंगी, जान ली होंगी, क्योंकि आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सवाल किया था। तो अच्छे से आप नुस्खों का इस्तेमाल कीजिए सर, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले कॉलर हैं हरियाणा से, सरोज जी, स्वागत है आपका। जी मैम। हेलो जी, जो गट्टे है ना, इनके जो ऊपर गट्टे हैं, जो किस्त है इतना बीस नहीं कर दी किस्त ने। सरोज जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना पेन हो रहा है, रिटर्न करने सकती है, ये गट्टे पूरे सूज रहे, चल नहीं पाती हैं। आप पैरों की बात कर रही हैं, पैर के गट्टों की? हाँ, पैरों की कर रही है जी। चलने में बहुत दिक्कत हो रही, चला नहीं जा रहा, एक ज्यादा है, एक में कम है। देखिए सरोज जी, ये रोग तकरीबन हर शख्स को अब होने लगा है, तो क्या इलाज नहीं किया होगा आपने अभी तक, मैं समझ सकता हूँ। और आपकी आवाज़ और अंदाज से लग रहा है कि कितनी तकलीफ में हैं आप। देखिए, दुनिया में दो इलाज हैं, एक तो ये कि आपने इंग्लिश दवा ली, खाया और थोड़ी देर को फ़ायदा हो गया, और एक यूनानी आयुर्वेदिक दवा है जो खाएंगे फ़ायदा देर में होता है लेकिन रोग से निवारण मुमकिन है। तो ज़रूरत पड़े तो आप एलोपैथिक लेते रहें। गोंद स्याह एक यूनानी यानी आयुर्वेदिक गोंद है, एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है ये। अगर आपको असली मिल जाए, नकली बहुत मिलती है, तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, नाश्ते और खाने के बाद। गोंद स्याह हम कहते हैं, इसे काला गोंद भी कह सकते हैं, लेकिन बेशुमार नकली लोग बेच रहे हैं, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये ऐसा है कि 15-16 रुपए का एक ग्राम आ जाता है, जो आधा आधा ग्राम पूरे दिन में 2 बार खाना पड़ता है खाने के बाद, असली लेना शर्त है। और ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए, असली लेने की कोशिश करें। और याद रखें, अगर ये आप शुरू करें, वैसे भी नहीं भी शुरू करें तो वेस्टर्न टॉयलेट, एक कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें। आप मेहनती लग रही हैं मुझे अपनी अंदाज से और बात से, मेहनत छोड़ दें, झाड़ू पोछा नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। तो मैम, दुआ यही है कि जो आपकी दर्द भरी आवाज़ थी, अब आने वाले वक्त में, यानी कि जब आप नुस्खे हकीम साहब के अपनाएंगी, जब आपको थोड़ा थोड़ा करके आराम मिलने लगेगा, तो मैम हमें ज़रूर बताइएगा उस मुस्कान के साथ कि आपको कितना आराम मिल गया है। दुआ हमेशा दर्शकों, आप सभी दर्शकों के लिए यही रहती है कि आप लोग बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाएं, लेकिन खुद का ख्याल खुद ही रखना होता है। हकीम साहब सिर्फ आप लोगों को मशवरा दे सकते हैं, आप लोगों को नुस्खे बता सकते हैं, आपको ही उनका इस्तेमाल करना होगा एहतियात के साथ। हर एक बात को समझने के बाद ही नुस्खे अपनाइएगा। कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। अगले कॉलर हैं विमला जी, स्वागत है आपका। हेलो,
कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारे मैम, टीवी का ना वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप जो कहना चाह रही हैं वो हम तक बात नहीं पहुंच पा रही है। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए मैम। क्या दिक्कत है मैम, नहीं समझ में आया, क्या तकलीफ क्या है भाई? गठियाबा है बताई चैनल डॉक्टर ने, गठियाबा है तो जोड़ों में, पूरे जोड़ों में दर्द बताओ। अब कन्या को जोड़ में इतना दर्द है कन्या पैसे कि बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं थपा रहे ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए। अच्छा देखो बहन, आप बहुत सीधी लेडी हो, बहुत अच्छी लेडी हो, हमारी बात गौर से सुने। आप लिख नहीं पाएंगी क्योंकि आपके पास कोई ऐसा भी नहीं है जो टेलीविज़न बंद कर दे, आपने बताया, तो हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा, तो आप पूरी बात उनको बताना और वो एक जो दवा आपको भेजे वो लेना। गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद जिसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह, इसका असली मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है कि आप लिख नहीं पाएंगी, समझ नहीं पाएंगी मेरी बात, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद खाना शुरू करें। अगर ये असली मिल गया आपको 100 ग्राम भी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।